आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कथन दे रखा है, हृदय को एक द्विध्रुव माना जा सकता है कि डायपोल। कारण है कि विद्युत फ्लक्स तथा विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के जो है जैसे हैं, यानी कि जो आपका विद्युत फ्लक्स है और विद्युत क्षेत्र जो है आपके पास द्विध्रुव जैसे ही। तो सबसे पहले हृदय की बात करते हैं, तो आपके पास हृदय में, मनुष्य हृदय में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक पार्टिकल सेल्स, एक वर्टिकुलर सेल्स, जिसको पी और वी लिखते हैं। तो पार्टिकुलर सेल्स पे जो वोल्टेज आता है आपके पास, लगभग ये 70 मिली वोल्ट होता है और इसके अंदर होता है 90 मिली वोल्ट, यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या विभवांतर मिल रहा है अपने पे। तो विभवांतर को मिलने को अपन क्या लिखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव लिखते हैं। तो मान इसको धनात्मक मान लें और इसको ऋणात्मक, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बताता है, केवल हाई वैल्यू बताता है कि उच्च विभव और निम्न विभव। तो प्लस से माइनस इन चीजों को माना जा सकता है, यानी कि आपके पास ये द्विध्रुव की तरह कार्य द्विध्रुव माना जा सकता है ना, माना जा सकता है, क्योंकि डायपोल के अंदर भी क्या होता है आपके पास आवेश होते हैं और एक ही नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे होंगे आपके पास। ये सेल्स सिंगल सेल की बात की है, तो यानी कि ऐसे मिलकर बहुत सारे जोड़े होंगे, तो वो क्या बनाएंगे, द्विध्रुव बनाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच में विभवांतर आ रहा है आपके पास, ठीक है ना। तो यानी कि द्विध्रुव माना जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर एक तो सही है। दूसरा कि विद्युत फ्लक्स तथा विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के जैसे हैं। तो इधर देखिए, विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं पहले। तो आपका जो फ्लक्स होता है फाई, ये क्या होता है, इंटीग्रल E डॉट dA, ठीक है ना। तो आपके पास जो फ्लक्स, अगर फ्लक्स है पता है तो अपन विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, और विद्युत क्षेत्र पता है तो अपन फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स बेसिकली या जो विद्युत क्षेत्र है E, ये भी कहाँ से कहाँ होती है, यानी कि इसकी दिशा की बात करें तो ये भी आपके पास दिशा होती है जिसकी, उच्च विभव से निम्न विभव, उच्च विभव यानी कि प्लस, उच्च विभव को अपन किसे दिखाते हैं, प्लस से धनात्मक से। तो दिशा क्या होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है, निम्न विभव। तो ये हो गया आपके पास माइनस, क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी आपके पास उच्च विभव से निम्न विभव की ओर दिशा होती है इसकी, ठीक है। और जो फ्लक्स होता है, यानी कि ये आपके पास विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स भी बेसिकली आपको क्या बताता है कि किसी भी क्षेत्र से या किसी भी रीजन से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया आपके पास कोई भी चालक है ना, इस प्रकार से कोई भी बंद परिपक्ष है आपके पास, इसमें से कितनी विद्युत लाइनें निकलती है, ये चीज कौन बताता है, फ्लक्स बताता है आपके पास, ठीक है ना। तो एक तरह से अब यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं फिर से, ये भी उच्च विभव से किधर जाएंगे, निम्न विभव की ओर, ठीक है। तो अपने हृदय के अंदर, मनुष्य हृदय के अंदर भी यही है, एक सेल का लिख रखा है, तो ऐसी बहुत सारी होंगी, तो ये सभी मिलकर क्या करेंगे आपके पास, है ना, एक डायपोल यानी कि द्विध्रुव बनाएंगे। तो ये जो चीज है आपके पास हृदय के अंदर, और जो फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र है, ये दोनों भी क्या करते हैं, एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं। तो यानी कि अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दूसरा है ये भी सही है, और विद्युत फ्लक्स तथा विद्युत क्षेत्र दोनों कैसे होते हैं, द्विध्रुव के जैसे ही होते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी द्विध्रुव की आती है ना, क्योंकि यहाँ पे दो आवेश होते हैं, तो आपके पास क्या होता है, उससे एक विद्युत क्षेत्र निकाला जा सकता है ना द्विध्रुव से, या विद्युत क्षेत्र, सॉरी, द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र डिफाइन किया होता है, और इससे अपन विद्युत फ्लक्स भी निकाल सकते हैं, यानी कि आपका कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।